पांच नमाजों के मुतालिक मैं आपको बताने वाला हूँ, इनकी तफसील क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसे जानना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। फजर के वक्त दो रकत सुन्नत, फिर दो रकत नमाज फ़र्ज़ पढ़ें। जो दो रकत सुन्नत है वो फ़र्ज़ से पहले पढ़नी है, क्योंकि फजर की नमाज में दो रकत फ़र्ज़ के बाद सूरज निकलने तक कोई भी नमाज नहीं पढ़नी है। जहर के वक्त पहले चार रकत सुन्नत पढ़ें, फिर चार रकत नमाज फ़र्ज़ पढ़ें, फिर दो रकत नमाज सुन्नत पढ़ें, उसके बाद दो रकत नमाज नफिल पढ़ें। असर के वक्त अगर टाइम मिले तो चार रकत नमाज सुन्नत पढ़ लें, वरना चार रकत नमाज फ़र्ज़ तो पढ़ना ही है। मगरिब के टाइम तीन रकत नमाज फ़र्ज़ पढ़ना है, फिर उसके बाद दो रकत नमाज सुन्नत पढ़ना है, फिर उसके बाद दो रकत नमाज नफिल पढ़ना है। इशा के वक्त पहले चार रकत नमाज सुन्नत पढ़ लें, फिर चार रकत नमाज फ़र्ज़ पढ़ लें, फिर उसके बाद दो रकत नमाज सुन्नत पढ़ लें, फिर दो रकत नमाज नफिल पढ़ें, फिर आपको तीन बितर पढ़ने हैं, फिर उसके बाद आपको दो रकत नमाज नफिल पढ़नी है। ये सब आपको आखिर में पढ़ना है। आज मैंने आपको पांचों टाइम की नमाज का वक्त बताया है कि कौन से टाइम पर सुन्नतें कहाँ पर पढ़नी है, कौन से टाइम पर कौन सी सुन्नतें किस टाइम पढ़नी है, ये आज मैंने आपको बताया है। फजर में दो सुन्नतें होती हैं, दो फ़र्ज़ होते हैं, टोटल मिलाकर ये चार हो जाती हैं। और जोहर में चार सुन्नतें होती हैं, चार फ़र्ज़ होते हैं, दो सुन्नतें होती हैं, दो नफिल होते हैं, टोटल मिलाकर ये 12 हो जाती हैं। असर में चार सुन्नतें होती हैं, चार फ़र्ज होते हैं, तो टोटल मिलाकर ये 8 होती हैं। मगरिब में तीन फ़र्ज होते हैं, दो सुन्नतें होती हैं, दो नफिल होते हैं, टोटल मिलाकर 7 होती हैं ये। इशा में चार सुन्नतें होती हैं, चार फ़र्ज होते हैं, दो सुन्नतें होती हैं, दो नफिल होते हैं, तीन बितर होते हैं, दो नफिल होते हैं, टोटल मिलाकर ये 17 होती हैं। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि सुन्नतें और फ़र्ज, सुन्नतें, नफिल किस टाइम कौन सी नमाज में पढ़ने हैं, तो आपकी तो समझ में आ गया। लेकिन अब आप दूसरों को समझाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर मुसलमान भाई को पता चल सके कि फजर की नमाज में कितनी सुन्नतें हैं, जोहर की में कितनी हैं, असर की में कितनी हैं, मगरिब में कितनी हैं, इशा में कितनी हैं। तो सिर्फ आप तो समझ गए हैं, लेकिन आप अब दूसरों को समझाएँगे। इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ पर भी हो सके इसे खूब ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो के बारे में लोगों को बताइए, और हमारे चैनल के बारे में भी बताइए कि इस्लामिक चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम, दुआओं की गुजारिश, अल्लाह हाफिज़।